गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। तो दोस्तों, आज मैं डोंडा के बुढ़वा महादेव बाबा के मंदिर में आया हुआ हूँ, जो हमारे एक फैमिली का शादी है। तो चलिए आज मैं इस मंदिर का आपको दर्शन कराता हूँ। और तो दोस्तों, एक बात और बता दूँ, यह मंदिर बुढ़वा महादेव बाबा के नाम से फेमस है, लेकिन मंदिर का नाम ओरिजिनल में श्री बाबा बालकेश्वर नाथ धाम है। यह मंदिर बहुत ही मस्त है। तो चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं और वहाँ मैं आपको चारों ओर दर्शन कराऊंगा। तो दोस्तों, बता दूं, यह मंदिर में हर प्रकार के हिंदू धर्म के देवी देवताओं का मूर्ति लगाया गया है। तो आप देख सकते हैं, ये अखंड ज्योति, ये हेतुदान का पेटी है, मैंने दान पत्र का ये जल पात्र है। यहाँ पर शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाया जाता है। और ये चारों तरफ ये मंदिर का है, जो बच्चे खेल रहे हैं ये हमारे देवी देवताएँ हैं। और चारों तरफ देख ही सकते हैं। तो चलिए मंदिर का अंदर में जो स्पेस है, यहाँ पर सभी लोग आए हुए हैं। और सभी लोग, यहाँ के सभी सहयोगी लोग जो इस मंदिर को बनाने में, निर्माण करने में जो दान किए हुए हैं, इनका यहाँ पर सभी का चार्ट लगाया गया है। तो आप लोग देख ही सकते हैं। और चारों तरफ मैं घरों के लिए इनका नाम दिए गए हैं, सुंदर अक्षरों में लिखा हुआ है। और ये बाहर का नज़ारा बहुत ही सुंदर दिख रहा है। तो चलिए अब हम लोग मंदिर के पीछे की ओर चलते हैं और यहाँ से आप लोगों को बैक साइड का नज़ारा दिखाता हूँ। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ और देखिए, ये मंदिर के पीछे पीछे एक तालाब है और फिलहाल अभी पानी कम मात्रा कम है और ये सब घर है। तो चलिए, तो दोस्तों बता दो, इस मंदिर शादी के नाम से बहुत ही फेमस है और यहाँ पर शादी बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को भीड़, इस मंदिर में शादी के लेके जो भीड़ बना हुआ है, वो भीड़ को हम दिखाएंगे और हमारे साथ। तो हम मंदिर के बाहर चलेंगे। तो दोस्तों बता दो, यहाँ पर हजारों की तादाद में शादियाँ होती है। अलग से अलग के तरह तरह के दुल्हा दुल्हन का शक्ल भी देखने को मिलते हैं, जो आप देख के समझ सकते हैं। और एक शादी कंप्लीट हो नहीं पाती कि लोग आते जाते रहते हैं। तो इस शादी के साथ आप भी एंजॉय कीजिए और मज़े लीजिए। देखिए, अचानक बारिश शुरू हो गई है और लोग छटपटा रहे हैं, चारों तरफ से इधर उधर भटक रहे हैं। तो दोस्तों, आप देख ही सकते हैं कि बारिश की वजह से शादी के मंडप से लोग उठकर इधर उधर अपने आप को बचाने के लिए और बचने के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। तो चारों तरफ देख ही सकते हैं, नज़ारा कुछ अलग ही रूप ले रहा है। कोई भीग भी रहे हैं, कोई इधर उधर भटक रहे हैं। तो दोस्तों, हमारे इस तरह के और नए नए ब्लॉग और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हम आपको तरह तरह की शादियों के फोटेज दिखाएंगे, तरह तरह के विवाह को, लड़के लड़कियां का विवाह का भी वीडियो दिखाएंगे, जो चारों तरफ काफ़ी मात्रा में भीड़ भाड़ में ये विवाह हो रहा है। जहाँ भी देखिएगा, हर जगह दुल्हा दुल्हन का नंबर लगा हुआ है। तो दोस्तों, हमारे इस चैनल को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।